हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये खड़े मसाले लिए हैं, 1 चम्मच ज़ीरा, 4-5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता और 10 से 15 मैंने काली मिर्च ली है। अब हम अपने सारे खड़े मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नारियल, खसखस और काजू और थोड़े से चने। ये हमारे थोड़े थोड़े भुन चुके हैं, अब हम इसे पीस लेंगे। हमने अब अपना ये मसाला पीस लिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। प्याज के साथ अब हम इसमें 3 से 4 काजू भी फ्राई कर देंगे। प्याज जो हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम उसे एक कटोरी में निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो चिकन का कीमा लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और वो खड़े मसाले जो अभी हमने पीसे थे। मैंने थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला भी यहाँ पर ऐड किया है और नमक स्वादानुसार। इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हुए हुए अनियंस, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इनके बॉल्स बना देंगे। जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई होते हैं, हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है और 1 छोटा सा टमाटर और अदरक लहसुन, इन सबको अब हम पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कुकर में थोड़ा तेल डाल दिया है और इसमें 2 तेज़पत्ता, 2-3 लौंग और काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी है। मैं अपने वही प्याज का पेस्ट डाल दूँगी जो भी हमने पीसा था। अब हम इसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। हमने जो प्याज और काजू को फ्राई किया था, उसका हमने ऐसा पेस्ट बनाकर अब उसको दही में मिक्स कर दिया है। वो पेस्ट अब हमने इसमें ऐड कर दिया था और आप अब देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दीजिए। तो गाइस, अगर आप आलू पसंद करते हैं तो आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आलू डाल के इसमें 1 सीटी लगा दूंगी। ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। अब हम इसे लास्ट में गार्निश करेंगे हरा धनिया के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।